नमस्कार, हम खैर के ककोला गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर बाबा वोट डाल चुके हैं। जरा उन्हीं से डालेंगे जानेंगे। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम राजकुमार शर्मा जी है जी। वोट डालकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें जी वोट वोट हमने बाद जाकर डाला, हमें बहुत ही अच्छा लगा है और मोदी जी को ही हमने वोट दिया है। यदि मोदी जी और योगी जी नहीं होते तो इस देश का बाद जाकर जाने कहाँ से कहाँ होता। और मोदी जी ने और योगी जी ने 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ बाद जाकर काली डोल बनवाई है, यूनिवर्सिटी बनवाई है, हमारे यहाँ वृहद चौरासी कोच की बात जाकर परिक्रमा है, पूरी परिक्रमा को बनाया है, गांव में नाली है, सबको बात जाकर अच्छी तरह से बात जाकर मोदी जी ने काम किया है। गांव में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? है जी, अब बहुत ही अच्छा हुआ है जी, हमारे यहाँ बात जाकर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो आपके गांव में कितना विकास अभी तक हो चुका है? हमारे यहाँ साहब बहुत ही विकास हुआ है, बहुत ही विकास हुआ है। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब यही संदेश देंगे कि हमारे मोदी जी को जिंदाबाद किया जाए, है अपने देश के लिए हमारे मोदी जी कर रहे हैं और कोई पार्टी नहीं कर रही है। नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नए युवाओं को जो है साहब बाजा के पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी नौकरी के बारे में बाजा के योगी जी और मोदी जी करेंगे उनको। अच्छा, तो हाँ, अब तक कितने वोट यहाँ पर लगभग पड़ चुके होंगे, कोई अंदाज है? हमारे यहाँ साहब बाजा के 200 के लपेट में वोट पड़ गए मोदी जी के। तो आपके गांव में किसकी सरकार बनना चाहती है? हमारे यहाँ बाजा के मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार हाँ, बनेगी। मोदी जी की सरकार बनेगी हमारे यहाँ। तो चुनाव मतलब किस तरीके से किया जा रहा है? है शांति व्यवस्था है? बहुत अच्छी तरह से हो रहा था, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फिसाद नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, वोटर अपनी मर्जी से बाजा मोदी जी को वोट दे रहा है। अच्छा, हाँ जी, तो और कोई मुद्दा रहेगा है। आपका? नहीं जी, हमारा तो मुद्दा मोदी जी है। मोदी जी मुद्दा है हाँ आपका, जी, तो आपने वोट डाला है? हाँ, वोट डाल दिया जी, जय राजा हमारा निजाम। क्या नाम है? सीधे आ, तुम टीम में आओगी, सीधे जाओ। क्या दिक्कत हो रही है वोट डालने में? मन यूँ करें डाल गए वोट, वोट डाल गए यूँ कह रहे हैं। आपने वोट नहीं डाला है? नहीं डाला। निशान कहाँ है? देख लो निशान, कह रहे हैं रेशमा। मतलब निशान ना होने के बाद भी वोट नहीं डालने दे रही? एक बार तो बड़ी मुश्किल में आ रहे थे, 10 बार तो जब आ गए यहाँ डालने के लिए। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा, आधार कार्ड दिखाइए अपना, देख लो। क्या नंबर कमरा में यू पूछो, दूसरा नंबर है रेशमा। एक बार तो और पर्ची में नाम आ रही है, दोबारा दोबारा कैसे पड़ जाएंगे? वो क्या कह रहे हैं अंदर? यू कह रहे हैं डाल गई, डाल गई। देख के कह रहे हो आप, बल जी देख रहे हैं मैम बाप की और बाकी। जाओ 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 जाओ, कोई दिक्कत मेरा नाम राजकुमार। आपका? संतोष। गांव कौन सा है? ककोला। आपने वोट गा बजा के बीजेपी को डाला है, जबकि आपका यहाँ विरोध था सांसद सतीश गौतम का, ये तो क्या मामला है? देखो जी, सतीश गौतम से बाजा हमारा कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं। हमें मोदी जी से मतलब है, हमें तो मोदी जी को वोट दिया है हमने तो। अच्छा, हाँ, उन्होंने विकास कराया है, बहुत ही विकास कराया है, बहुत ही विकास कराया है। हाँ, हमारे यहाँ में बहुत विकास, मोदी से मतलब है। हाँ जी, हमें तो मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी को ही देंगे, जब तक जीवित रहेंगे मोदी जी को देते रहेंगे। नमस्कार, अलीगढ़ खैर के ककोला गांव में आ गए हैं और सबसे पहले 18 वर्ष इनकी पूर्ण हो चुकी है और इन्होंने वोट किया है। जरा उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? रजनी शर्मा। तो रजनी शर्मा, आपने पहली बार वोट किया है, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो किस मुद्दे को लेकर आपने वोट दिया है और सरकार से क्या उम्मीद लगाई हुई है जो कि आपने वोट डाला है? विकास के लिए, और हम पढ़ रहे हैं तो हमारी जॉब लग जाए, कुछ भी काम हो हमारे लिए अच्छा हो। अच्छा, आपके गांव के पास यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? अच्छा, हमारे लिए जॉब लगे और हम पढ़ भी सकते हैं, हमारे भाई बहन भी हैं, जो भी हैं सुविधाएं हैं। सरकार की योजना का लाभ आपके गांव में मिलता है वैसे? तो आपने वोट कहां पर डाला है? पुल पे ही डाला है। पुल पे डाला है? अच्छा अच्छा, तो विकास के मुद्दे को लेकर ही आपने पुल पर बटन दबाया है। ठीक। नमस्कार, हम इस खैर के ककोला गांव में मौजूद हैं और सबसे पहले जो वोट डाला है उन्हीं से बात करें।
नमस्कार, इस बार हम खैर के ककोला गांव में मौजूद हैं और सबसे पहले इन्होंने वोट डाला है और 18 वर्ष की उम्र इनकी पूरी हो चुकी है, तो वोटर से ही बात करेंगे। आखिर क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा जी, क्या मतलब महसूस कर रही है वोट डालकर? कैसा महसूस? अच्छा फील कर रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला है? मोदी जी को। तो आपके जो आपने पहला मत जो किया है तो किस विकास के लिए किया है? जो विकास होना चाहिए या फिर होना चाहिए? तो किस प्रकार का विकास होना चाहिए? पढ़ाई के, शिक्षा के वही में होना चाहिए। आपके गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं जरा बताएंगे? आपके क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी को लेकर? ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हाँ। क्या नाम है आपका, दोबारा बताइए? अनुष्का शर्मा। ठीक है। क्या नाम है आपका? राखी प्रसाद। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। किस मुद्दे को लेकर वोट डाला है आपने? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हम तो वो देखेंगे जो हमारे जिले का विकास करेगा, ऐसे प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, नए नए युवा भी यहाँ पर वोट डाल रहे हैं और पहली बार उन्होंने वोट डाला है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही है कि अपनी सोच से काम करें, किसी के बहकावे में ना आए, वोट जरूर दें। अच्छा, वोट जरूर दें। और क्या विकास कार्य की मांग चाह रही है सरकार से? जैसे कि हम तो ऐसा चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो है अपने गाँव का, अपने शहरों का विकास करे। अच्छा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? अच्छा काम में है, क्या बच्चों को अब दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? राखी प्रसाद। तो आपका पद क्या है? सहायक अध्यापिका, वैसे इस टाइम BLO। अच्छा, कहाँ पर ड्यूटी है आपकी? ककोला। वोट डाल के कहाँ पर आई है? अंडला।